इसका रीजन ये है कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम थी और हेल्थ इम्प्रूव हुई तो आपका ये जाट आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि जो रैली निकाल रहे हैं उसके चक्कर में पूरे हरियाणा में नेट को बंद कर रखा है, इस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही आपका ये नेट वाला सिस्टम स्टार्ट होता है तभी मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो बना के पहले ही रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। अभी हम क्या है कि अपना 90 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 91 क्वेश्चन में थे, 91 क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, 91 गिवन है कि एक दुकानदार 36% की छूट देता है तो 8.8% लाभ कमाता है। ठीक है, अगर वह छूट को 25% कर दे तो अब लाभ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ सीपी और एमपी की, 100 माइनस छूट मतलब कि 36 जो ये 64 हो जाएगा और एमपी आपका 8.8% है तो 108.8 हो गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और एक तरीका क्या है, अब मुझे बताइए मेरी रेशियो आती है, आपको भी बताइए रेशियो आती है। ठीक है, या तो मैं इस रेशियो को ब्रेक कर लूँ, कैसे, ये मैंने पॉइंट यहाँ से हटाया मतलब कि दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रेशियो तो मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। ठीक है, अब आगे चाहे तो इसको 8 से काट लीजिए, आपको और जी होता चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अभी देखिए मैं इस पर निकालता हूँ सीधा सीधा, बोला कि अगर छूट को मैं क्या कर दूँ 25% कर दूँ, ये मेरा एमपी ये आ गया। अब इसे 25% की छूट क्या हो जाएगी, 3/4, ये 4 × 2 = 8, 4 × 16 और बचे 2, 4 × 28, तो ये कितना बच गया, ये आ गया मेरे पास में, सॉरी ये 4 × 28 यहाँ होगा और 4 × 2 = 8, ये होगा 272 होगा, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 24, 3 × 6 = 21, 3 × 2 = 6 और 7 = 8, 8 16 मेरे आ गया। इनमें फर्क कितना है, ये 6 का है, 11 × 4 = 7, फिर आपका एक 176 का डिफरेंस है, मतलब कि 176 प्रॉफिट कमाया है 640 पे, 100 पे निकाल लीजिए, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 8 पे देखिए 8 × 64, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16। ठीक है, फिर आपका 2 पे 2 × 8, 2 × 2, 2 × 2, ये आपका आ गया 2 × 2 = 4, 2 × 10, 55/2 आ गया, मतलब कि 27.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, एक तो ये तरीका था और क्या था, मैंने आपको क्या बताया, आप चाहते तो रेशियो को और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, कैसे देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बताया कि सिर्फ ये रेशियो मैंने रेशियो तो बनाया है, रेशियो को मैं कैसे भी कर लूँ, 8 से काट दीजिए, 8 × 64 = 80, 8 × 8 = 8, 9 × 10 = 2, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, फिर 8 से काट दीजिए, 8 × 8 = 8, ये 8 × 8 = 8, 8 × 3 = 56, 10.17 की मेरी रेशियो आ गई है। अब मुझे पता है इसका 3/4 करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन ना बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया 68 हो गया। अब इसका 3/4 निकालता हूँ, मतलब कि 25% की छूट दे देता हूँ तो कितना बचेगा, 51 बचेगा, कितना फर्क है, 11 का फर्क, 11/40 × 100 तो कर दीजिए मतलब 55/2, 27.5% आ गया फिर दोबारा फिर आपका। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, कैलकुलेशन सिंपलीफाई करनी है तो इसको और काट लीजिए जितना आप कर सको कर सकते हो आप। ठीक है, आपको मैंने इसलिए थोड़ा सा डिग्री अप्रोच बता दिया है और जो लेंथ की अप्रोच थी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको 92 क्वेश्चन में क्या गिवन है, 92 में गिवन है कि एक शॉपकीपर सेल टीवी, उसे एक टीवी बेचा है 17,940 रुपये में। ठीक है, और डिस्काउंट दिया 8% और प्रॉफिट कितना कमा लिया डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपका 19.6%। उसने बोला कि अगर डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब आपको देखिए पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, कभी भी आपसे परसेंटेज से पूछा हो तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कितनी दे रखी है, हम उसको 100 मान लेते टोटल मिला के। मैं मानता हूँ कि सीपी है और मेरा ये एमपी था, अब एमपी सीपी रेशियो आपको पता ही है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 8%, तो ये आपको 92, अब 100 प्लस आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपका एमपी, तो कितना आपका 100 + 19, 119.6%। अब इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं, अब मैंने 8 जोड़ा था यहाँ पे मैंने 8 प्लस किया था तो दोनों को प्लस कर देता हूँ, 8 और 19 27.6, मतलब कि 27.6 डिफरेंस आ गया। अगर मैं एमपी बेचूंगा तो 92 पे है तो 100 पे कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको काट दीजिए कितने में कटेगा, ये 3 पे पूरा पूरा गया, मतलब कि 30% प्रॉफिट होता अगर वो एमपी पे इसको सेल करता तो। ठीक है, अब 93 क्वेश्चन देखते हैं,
अब 93 में आपको क्या बोला गया है कि कोई विक्रेता है ठीक है ना, वो थोक विक्रेता से क्या खरीदता है, कलमें खरीदता है, और 40 कलम खरीदता है जो 36 के रेट पर खरीदता है वो, ठीक है। तो यदि सभी कर्मों को 3% बटा देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अब आप एक बात देखिए, एक दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए कितनी, 36 कलम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मेरे को, मैंने 40 ले ली, पर रेट में कितना पे गया, 36 का पे गया, मतलब कि मेरे को लेनी 36 थी। देखिए यहाँ देने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं लेने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बायर बन के जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे 36 लेनी थी, मैंने 40 ले ली, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे 4 का प्रॉफिट हो गया भाई। अब 4 का प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ, 36 पे हुआ ना, क्योंकि जो मेरे पास आया मैं उस पर कभी कैलकुलेट नहीं करता। जब भी मैं आर्टिकल फॉर्म में प्रॉफिट निकालता हूँ, मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा, जो दूसरे बंदे के पास से मैंने लिया है या दूसरे बंदे को मैंने दिया है, ठीक है। तो 36 पे आया मेरा, तो अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, मतलब कि 1 का प्रॉफिट हो गया 9 पे, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट कैसे मानूंगा इसको, इसको मानूंगा मैं अपना प्रॉफिट 10/9 मान लिया मैंने, ठीक है। अब डिस्काउंट भी दिया इसने, डिस्काउंट कितना दिया इसने, डिस्काउंट दिया इसने 3%। अब 3% का डिस्काउंट है तो 97/100 होगा ये, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, कितना बचेगा, ये मेरा बच्चा में 97/90, 7 का प्रॉफिट हुआ मुझे कितने पे, 90 पे। अगर 7 का प्रॉफिट 90 पे है तो 100 पे कितना होगा, ये 70 हो गया, 70/9, तो 9 से 63 बचा 7/9%। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया आपका, 7 से ही 7/9%। देखिए इसको ना वही समझ पाएगा जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, क्यों, क्योंकि आर्टिकल फॉर्म पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है, जिसमें डीकेज मेथड लिखा हुआ है उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 94 करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं दो टेक्निक बताता हूँ आप कैसे क्वेश्चन को करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, आपको लगे कि आपको आता है आप करिए, ठीक है। देखिए मुझे पता है कि मेरे को छूट की मैंने कितनी की मैंने, 4% की मैंने। अब देखिए अब मुझे पता है सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस छूट और 100+ प्रॉफिट, तो मतलब कि सीपी क्या हो गया, छूट कितनी है 4, तो 96 हो गया, और प्रॉफिट कितना है मेरा 35, 135 हो गया। पर आप एक बात देखिए, 4% की छूट तो उसने दी दी है, और उसने क्या बोला है कि 15 वस्तु देने पर 1 वस्तु मुफ्त में दे दी, मतलब कि देनी 15 थी, दे दी उसको 16, ठीक है। मतलब उसने लॉस खा लिया, कितना खाया है, 1 का लॉस खाया है, कितने में खाया है, 16 पे खाया है, मतलब कि 15/16 उसने छूट दी है, ठीक है। मतलब कि लॉस खाया 16 पे 1 का, क्योंकि जो उसने दिया उस पर आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल फॉर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 दिया है, मतलब कि 1 कम दिया है, मतलब कि कम मिला उसको रुपया, तो मतलब कि 15/16 क्या होगा मेरा, छूट हो जाएगी। अब मैं इस 96 पे क्या करता हूँ, फिर अपनी 15/16 छूट और निकाल देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ 4% छूट डिक्रीज की है, पर एक्चुअल में क्या है कि जो उसने 15 पे 1 आर्टिकल फ्री दिया है वो भी तो एक तरह से डिस्काउंट है ना हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, 16 96, ये हो गया मेरा 90। अब 90 और 135 की रेशियो आ गई मेरी सीपीयू एमपी में, काट दीजिए 15 से 15 छक्का 90, 15 नीमा 3 सॉरी 3 6 3 3 9, तो सीपीयू एमपी में क्या रेशियो आ गया मेरा, 2:3 का आ गया, ठीक है। एक तो पास ये तरीका था, एक तरीका क्या था कि पास में, अब देखिए कोई आर्टिकल मेरा एमपी कुछ 100 रुपये का, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है, छूट दिया मैंने, कितने दिया है 4% की। अब 4% की छूट दिया तो मतलब कितना होगा, 4×20, मतलब कि 4% कैसे लिख सकते हो आप, ये 25, मतलब कि एक ही छूट दी है, 24/25 होगा, मतलब कि छूट दे दी इसने 24/25 की एक बार, तो और डिस्काउंट दे दिया इसने 15 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल मुफ्त दिया है, तो मतलब कि 15/16 का ये हो गया। अब प्रॉफिट कितना कमा लिया, 35%, मतलब कि 135 कमाया 100 पे, ठीक है। अब करना क्या आपको, ये मेरा एक्स एमपी था, ठीक है, अब काट दीजिए 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 6 24, ये मेरा 4 4 गया, ये 15 नीमा, ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 9/6 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 9 3 2 6, अगर मेरा 2 क्या था सीपी था, 3 मेरा क्या होगा एमपी होगा। ये एक बस सीधी सीधी ट्रिक है, ठीक है, जो आपको करनी है वहाँ पे, अगर एग्जाम के अंदर फॉलो करें तो, बाकी उस मेथड से निकल जाएगा, कोई टफ नहीं है, वो भी इजी है। अब ऐसे ही पास 95 क्वेश्चन है। अब 95 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इसने बोला हुआ है कि एक दुकानदार 35% की छूट देता है। अब मेरे पास फिर सीपी है, ये मेरे पास एमपी है, 35% की छूट दी है तो कितना बचेगा, ये मेरा अच्छा है 65, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमा लिया, 120 का,
ठीक है, अब बोला कि 12, उसको 12 पे एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, मतलब कि कस्टमर को जानी 12 दी, 13 दे रहा है, ठीक है, मतलब कि एक का लॉस खा रहा है, कितने पे, 12 पे, तो मतलब कि 11/12 ये हो जाएगा आपका। तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी सॉरी, मतलब कि एक का लॉस खा रहा है तो 13 पे खाएगा ना जो कस्टमर को दिया है, मतलब कि 13 हो जाएगा, मतलब कि 12/13 का लॉस हो गया। तो मैं 65 × 12/13 कर देता हूँ, जो डिस्काउंट इसके अंदर एडिशनल ऐड कर देता हूँ मैं, तो 13×65 ये कितना हो गया 60, ये हो गया 120, तो ये मेरा 1 और 2 सीपीयू एम्पीयर रेशियो क्या गया, 1 और 2। ये आपका ये मेथड था। अब सेकंड मेथड से भी करके देख लेते हैं। अब छूट की नहीं ना 35 है, तो 65/100 है, मतलब 100 पे 35 दी होगी, इंटू में कुछ आपका आर्टिकल फॉर्म में जो आपको छूट दी है वो कितनी दी है मैंने, 13/12, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितना प्रॉफिट कमाया, 20%, 100 कर दिया, ये 5, ये 6, ये 13×5, ये फिर मैं क्या करता हूँ, 6 × 2, ये 5×2, ये हो गया 10, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे, ये आ गया मेरा 10/5, मतलब कि 1 और 2 का फिर रेशियो आ गया आपके पास में, ठीक है फ्रेंड्स। हमें ऐसे ही करना है, एक मेरा सीपी था और 2 मेरा एमपी था, ठीक है, जो हाईएस्ट होगा हमेशा एमपी होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है, ये बात याद रखिए आप ट्रिकी फॉर्म में करते हो, जो हाईएस्ट होगा एमपी होगा, क्योंकि सीपी से हम हमेशा एमपी ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 ने क्या बोला है कि एक दवा निर्माता है, मतलब जो दवाई बना रहा है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर, वो एक 12 दर्जन खरीदने पे ना 1 दर्जन मुफ्त दे रहा है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है। यदि बोतल का अंकित मूल्य 17 रुपये है तो न्यूनतम मूल्य आप से बेचने पर कोई हानि ना हो। अब अंकित मूल्य पर मैं कितनी छूट दे सकता हूँ कि मेरे को कोई हानि ना हो, मतलब कि सीपी के बराबर आ जाए, मतलब सीपी मेरा कोई ऐसा रेट होगा जो मेरा उसके बराबर होगा छूट देने के बाद जो आएगा, ताकि मेरी मेरे को कोई हानि ना हो, ठीक है, न्यूनतम मूल्य, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब बोला कि 12 दर्जन पे 96 डाल लेता हूँ, कि 12 दर्जन देने दे, 13 कितना, 13 दर्जन, मतलब कि एक का लॉस खा रहा है, कितने पे खा रहा है, 13 पे खा रहा है, मतलब कि 12/13 मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया ये, ठीक है। अब मेरा ये हो गया 12/13, ये मेरा डिस्काउंट हो गया। अब वैल्यू कितनी टोटल, 117 रुपये है, अब इससे मैंने 12/13 डिस्काउंट तो ये दे दिया, और एडिशनल डिस्काउंट कितना इस पे, 25% की छूट और दे रहा है, मतलब कि 25% मतलब 3/4, ठीक है। अब काट दीजिए 13 निम्मा, ठीक है, ये 4 थी, ये और कितना हो गया, 9 थी 27, 27 थी 81, मतलब कि जो 81 रुपये ऐसा रेट होगा कि सीपी मेरा, कि इस पे मुझे कोई हानि नहीं होगी, अगर सीपी मेरा ये होता तो, ठीक है। अब 97 करते हैं, 70,000 रुपये पड़ी है, ठीक है, मतलब की एक ही कोस्ट कितनी पड़ेगी, 35 रुपये पड़ेगी, ठीक है, ये मेरी सीपी प्राइस है। अब इसने फर्दर क्या बोला है कि वो 400 कॉपियां तो फ्री में बांट देता है स्पेसिमेन कॉपी बना के, ठीक है ना, मतलब जो आपके सेल्स प्रमोशन के लिए दी जाती है, और 30% डिस्काउंट दे रहा है प्रिंटेड प्राइस पे, तो प्रिंटेड प्राइस क्या बुक का 75 रुपये है। अब मेरा जो मार्क प्राइस कितना है, 75 है। इसने बोला है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अब एक बात देखिए, इसने बोला कि 2 जगह पे छापी है 70% पे, मतलब 70 रुपये की, 70,000 रुपये के हिसाब से 2 जगह पे छाप दी है, एक कॉपी 35 रुपये की होगी। अब बोला है 400 कॉपी फ्री दे दी है। देखिए एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं 2 जगह पे में से 400 निकाल दूँ, 1600 हो गया, पॉइंट में सर आएगा मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाई डिस्काउंट यहाँ ना देके मैं डिस्काउंट यहाँ कर लेता हूँ, बात तो भी पड़ेगी ना, जो कॉपी मैंने यहाँ पे कम की है वो कॉपियाँ मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, सीपीयू पे फिक्स रखता हूँ। अब मुझे बोला क्या है कि 400 कॉपियाँ फ्री में बांट दी, अगर 400 कॉपियाँ फ्री में बांट, टोटल कॉपियाँ कितनी थी, 2000 थी। मैं अगर मैं मान के चलूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे भाई 1600 देनी थी और मैंने कस्टमर को कितनी पकड़ा दी, 2000 पकड़ा दी, 400 फ्री में बांटी है, ठीक है। अब कितने बांटी है, इसे बांटी है, मतलब कि 400/2000 मैंने बांट दी भाई, ये काट देता हूँ 4×20, मतलब कि लॉस कितने हो गया, 5/1 का लॉस, मतलब कि 4/5 का डिस्काउंट ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मतलब कि 4/5 का डिस्काउंट ये क्यों आया है, क्योंकि जो मैंने आर्टिकल फ्री में दिए हैं वो मैंने डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या बोला है, एक डिस्काउंट और है, वो कितना डिस्काउंट है आपका, 30% की छूट है, 30% का मतलब 30/100, मतलब 3/10, 10/3 की छूट, मतलब कि 7/10 ही आ गया मेरा, आपको समझ में आ रहा होगा, आयो ये 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 6×7 = 42,
मतलब कि 42 मेरा अब क्या आ गया, एस पी आ गया मेरा ये, ठीक है, ये एस पी आया है, ये मेरा सी पी था, प्रॉफिट कितना हो गया 7, था कितना 35, तो 100 पे कितना हो जाएगा 7 × 5, 5 × 2 = 10, तो 20% का क्या होगा मेरे पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन करने का तरीका पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है, होता क्या है इसके अंदर कि हम 400 कॉपियां पहले से रिड्यूस कर लेते हैं कि भाई हम मैं मान लेता हूँ मैंने टोटल कॉपियां छपवाई थी 2000 की बजाय 1600 छपवाई है, अब 1600 मैंने 70 में डिवाइड कर दी, मतलब 70,000 है तो मैं 16 से कर दूंगा तो मेरा रेट कुछ पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा आपको काफी दिक्कत होगी, बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि मेथड करवाना आपको, आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए कि सर हमें बेसिक मेथड भी करवा दीजिए, मैं आपको मेथड भी करवा दूंगा। ठीक है, अब 98 करते हैं, ओके ये 98 का कुछ इसी तरीके से है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में काफी बार पूछे गए हैं, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उस मेथड से फॉलो कीजिए। हम क्या करते हैं, हमको यही बोला जाएगा कि उसने क्या किया है कि इतनी कॉपियां स्पेसिमेन के रूप में बांट दी, अब करना क्या है आपको ये मानना कि मैंने स्पेसिमेन के रूप में नहीं दी, मैंने वो डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपकी फाइनली वो काउंट तो होगी ना जब बिकेगी आपकी, कि मैंने भाई की छपवाई थी इतनी मैंने बांट दी और इतनी मैंने दे दी। ठीक है, अब करना क्या है, इसने बोला कि 2000 कॉपियां छपवाई थी बुक, कितने रुपए में 2400 में छपवाई 2000 कॉपियां। ठीक है, अब बोला क्या है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड 500 कॉपीज फ्री, उसने 500 कॉपियां फ्री में बांट दी, अगर वो 25% डिस्काउंट देता और उसने साथ में अनाउंस कर दिया कि भाई मैं एक बुक फ्री दूंगा 24 बुक बुक पे, ठीक है ये डिस्काउंट और आपका, मतलब इसमें 3 डिस्काउंट हो गए, एक को 500 फ्री दी है वो डिस्काउंट, एक ये एक फ्री दी है 24 पे ये डिस्काउंट, और 25% का डिस्काउंट आपका आपका है ही है। ठीक है ना, और बोला क्या है सो उसने सारी बुक इस हिसाब से बेच दी और एम पी क्या था बुक का 3.25 था। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सी पी देखता हूँ अपना एम पी देखता हूँ, तो सी पी क्या गिवन है मुझे कि 2000 कॉपियां 2400 के हिसाब से, तो 2400 में अगर 2000 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, ये बच गया ये 12, मतलब कि 1.2 मेरा क्या हो गया सी पी हो गया। अब एम पी क्या गिवन है मुझे, एम पी गिवन है मुझे 3.25। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहे ना, क्योंकि अब मैंने रेशियो में बदल लिया पूरा सीपी और एमपी, अगर आप चाहे तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते, कैसे इसको काट दीजिए जो मिनिमम आएगा उससे क्या है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, वहां पे डिपेंड करता है आपकी मर्जी, आप काटना चाहो यहाँ काट लो वरना बाद में काट लेना, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे काटूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, मैं अभी इसको ऐसे रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कैसे करूंगा, ये बात वही पड़ेगी लास्ट में भी। अब मैं क्या करता हूँ जितने भी डिस्काउंट है सबको कंबाइन करता हूँ, और जो बुक की फॉर्म में डिस्काउंट है आर्टिकल फॉर्म में उनको भी डिस्काउंट में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब कि एम पी मेरा 2.5 था 3.25 था। ठीक है, अब बोला क्या इसने कि भाई 98 में कि 2000 को 500 कॉपी फ्री में बांट दी, अब टोटल कॉपी कितनी थी 2000। ठीक है, मतलब देनी कितनी होगी 1500, अगर उसने 1500 देनी थी उसने दे कितनी दी 2000 दे दी, तो कितने का लॉस खा लिया इसने 500 का लॉस खा लिया। अब जो दिया उस पर लॉस खाएगा, मतलब कि 500/2000 इसका लॉस खाया होगा, अब मैं इसको काट देता हूँ तो 5×20, मतलब कि उसने 3 का लॉस खाया है 4 पे, जो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या गया 3/4 मेरा ये डिस्काउंट मैंने बना लिया उसका। अब एक डिस्काउंट क्या था, इसने बोला है कि 24 किताबों पर एक फ्री दे रहा है, मतलब कि कोई बंदा आया 24 चाहिए वो 24 जाए वो कितनी दे रहा है उसको 25 दे रहा है, मतलब यहाँ पे भी फिर लॉस खा रहा है, कितना लॉस खा रहा है एक का, कितने पे खाएगा 25 पे, मतलब कि एक का लॉस 25 पे खा रहा है, मतलब कि 24 उसने दी होगी। ठीक है, अब वैसा क्या करता हूँ यहाँ पे भी इसको लिख लेता हूँ, ये मेरा 24/25 डिस्काउंट मैंने ये भी लिख दिया। अब दूसरा डिस्काउंट क्या है आपके पास में, ये बोला कि 25% की छूट दी है, अब 25% की छूट दी है तो मतलब 25×100 3/4 ही आपका गया। ठीक है ना, अब कर दीजिए आपको ये मैंने कर दिया, इसको मैं इसको 10 कर लेता हूँ, मैं रेशो भी साथ में काट रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब यहाँ पे 4×6 = 24, आपका 25 से कम 25, 25 दिए 75। ठीक है, और ये 2×2 = 4, 2×3 = 6, और अभी आपका यहाँ से 3×12, अभी कुछ और आपको कट रहा है, इस दो को मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 8, ये हो गया 3×3 = 9, 3×9 = 117, ये 1 0 भी रहेगी, 1 0 यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब डिफरेंस कितना आ गया मेरा,
सात और तीन, अब 37 का डिफेंस आया है, ये मेरा अब एसपी बन गया, ठीक है, एमपी नहीं है अभी ये। तो 100 पे कितना हुआ, इसको काट लीजिए आप, ये मैंने काट दिया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये 185/4, ये 4 चौक 16, 4 6 24, 1/4% ये क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चला मैंने कैसे कैसे किया है, मैंने क्या किया कि आपका सीपीवी साथ साथ मैंने आपका काट दिया, ठीक है। अगर आप नहीं काटोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर वही आना है, बट क्या है कि आपकी ये पॉइंट वाला चक्कर खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 99 करते हैं, नाइनटी नाइन में क्या गिवन, आपको बोला क्या है कि इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस बाय ए पेन बाय ₹32, एक पेन खरीदा उसने क्या किया कि मार्क प्राइस को ₹32 घटा दिया शॉपकीपर ने, और प्रॉफिट अभी कितना कमा रहा है, वो 15% कमा रहा है। अब देखिए आपको जो डिस्काउंट दिया ना, वो रुपए की फॉर्म में दिया ना, कि परसेंटेज की फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 15% प्रॉफिट कमा रहा है, इतना कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹320 कॉस्ट प्राइस है, बट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट डाइज ही मेक इट ही सेल द पेन एट द मार्क प्राइस, वो प्रॉफिट कितना कमाता अगर वो मार्क प्राइस पे बेचता तो, ठीक है। पहले हम मार्क प्राइस निकालने कितना बनेगा, फिर हम अपना सीपी और एसपी देखते हैं। ये करना क्या है, ये मेरा सीपी है, ये एसपी है, और एमपी बीच में लिख देता हूँ मैं। अब बोला क्या कि 15% प्रॉफिट कमा रहा है, 15% प्रॉफिट मतलब 15/100, तो 3/20, मतलब 20 की लेके आया और 23 में कमा रहा है। अब आपको गिवन क्या है, ये सीपी मेरा 320 के बराबर है, 320 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा मेरा, 16, इसको भी 16 से कर लेता हूँ, 16 3 48, 16 2 32 और 4 36। अब बोला क्या है कि एसपी एमपी में मैंने 32 रुपये की छूट दी है, तब मेरा एसपी आया है, अब 32 रुपये इसमें ऐड कर देता हूँ, तो कितना बचेगा, 32 8 2 10, ये मेरा आ गया 400, ठीक है। अब बोला क्या है, मेरा अब एमपी आ गया, मेरे पास सीपी भी है। अब बोला क्या है कि अगर मैं एमपी बेचता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता, कितना डिफरेंस है, 80 का, मतलब कि 80 का प्रॉफिट कमाता मैं 320 पे, तो 100 पे कितना कमाता, ये 4, ये मेरा 25% प्रॉफिट मेरा क्या होता अगर मैं इसको सीपी पे बेचता तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने इसको, अगर मेरे को ये गिवन होता ना कि ₹32 का डिस्काउंट दिया है, तो मुझे जरूरत नहीं थी 400 320 ये निकालने की, मैं सीधा परसेंटेज पे ही खेल जाता, ठीक है। अब करना है क्या आपको, 100 क्वेश्चन करना है। अब 100 में क्या बोला है कि कोई किताब है उसका विक्रय मूल्य क्या है, छूट का 5 गुना है, ठीक है, और छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना मुझे। देखिए मेरे पास ये सीपी हो गया, मेरा क्या है 100 क्वेश्चन, ये मेरा एमपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। अब छूट हमेशा मैं एमपी पे दूंगा, ठीक है। बोला क्या है कि मेरा विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, मान लिया छूट मेरी 1 रुपये थी, तो एसपी कितना होगा, 5 रुपये होगा, तो अब एमपी कितना होगा, छूट दी 1 रुपये की, तो 6 होगा यहाँ पे। अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला है कि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है। अब छूट कितनी है मेरी, 1/6 की है, मतलब कि 16 से 2/3 है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, 1/6 की छूट है, मतलब कि 1/6 की छूट है। अब लाभ, अब अगर इसने ये बोल दिया कि लाभ मेरा बराबर है, तो मतलब कि 6 रुपए की चीज मैंने 7 में बेची है, 6 की चीज 7 में बेच दी, अब मेरा छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इक्वल कर लेता हूँ, इक्वल कैसे बनाऊंगा, इसको 7 से कर लो, इसको 5 से कर लेता हूँ, तो कितना बनेगा, ये 5 6 30 सीपी, ये 7 6 42, ये 7 5 35, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है मुझसे कि छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या कीजिए। अब छूट कितनी है, 7 है, क्रय मूल्य कितना, 30 है, मतलब कि 7 अनुपात 30 मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब 101 करते हैं, एक सौ में क्या गिवन है कि सीपीओ 12 ऑरेंज, मतलब कि 12 ऑरेंज का सीपी है, वो इक्वल टू है एसपी ऑफ 9 ऑरेंज, 9 ऑरेंज का एसपी, ठीक है। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि डिस्काउंट ऑफ 10 ऑरेंज, 10 ऑरेंज डिस्काउंट है, वो इक्वल टू कितना है, प्रॉफिट ऑफ 5 ऑरेंज, प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, तो रेशियो क्या की है, 3 चौक 12, 3 3 9, सीपी 3 एसपी 4, ये मेरा 5 दूनी 10, मतलब डिस्काउंट 1 प्रॉफिट 2, ठीक है। अब मैं सीपी
एमपी और एसपी निकाल लेता हूँ। सीपी कितना आया? 3। एमपी कितना आया है? सॉरी एमपी नहीं है, अभी मेरा एसपी आया है, एसपी 4 आया है। डिस्काउंट कितना है मेरा? 1 है, तो 1 दिया तो ये मेरा 3 हो गया। अब प्रॉफिट कितना है मेरा? 2 रुपये है। सॉरी गलती हो गई है, गलती क्या है कि मैंने गलती लिख दी। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, प्रॉफिट मेरा 2 रुपये है ना। अब यहाँ पे सीपी है, ये मेरा एसपी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 1 आ रहा है, तो पहले मैं इसको 2 बनाऊंगा, मतलब रेशियो बराबर करूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 3 6, 2 4 8। अब प्रॉफिट 2 हो गया, अब प्रॉफिट 2 यहाँ पे मैंने ये दोनों रेशियो बराबर कर ली। अब मैं करता हूँ सीपी एमपी और एसपी, और सीपी कितना मेरा? 6 है, एसपी कितना है? 8 है। डिस्काउंट 1 था, तो ये 9 होगा, ठीक है। अब बोला क्या इसने कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का क्या निकालना है मुझे? अपना डिफरेंस निकालना है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 2 6 पे, मतलब कि 2/6 प्रॉफिट है, और डिस्काउंट कितना है? 1/9, ठीक है, इंटू 100 रहेगा। क्यों रहेगा? 100% के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 100 लगाऊंगा, यहाँ भी 100 लगाऊंगा, तो मैंने बाहर निकाल लिया। अभी कितना बचा? 9 × 2 = 18 और 6, तो 12/54 आ गया, मतलब कि 12/54 इंटू 100, तो 6 × 2 = 12, 6 × 9 = 54, मतलब कि 200/9% मेरा डिफरेंस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 102 देखता हूँ। अब 102 में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में करना है क्या आपको? इसने गिवन है कि जब कोई शर्ट 20% छूट पे बेची गई, तो उसका लाभ 87.5% है, ठीक है ना। अगर शर्ट का विक्रय मूल्य 25% और अंकित मूल्य 500 रुपये बढ़ा दे, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य बढ़ाना है 25% और अंकित मूल्य बढ़ाना है 500 रुपये, छूट भी 25% बढ़ा दी, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पहले के बराबर ही होगा। बाद में होने वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या है कि सीपी है और एसपी है और डिस्काउंट गिवन है, और आपको ये मार्क प्राइस आ जाएगा। सीपी कितना गिवन है आपको? 8। ये कितना हो जाएगा आपका? एमपी स्पीड, ये एसपी 15 हो गया, क्योंकि 87.5 को जब मैं फिगर में तोड़ूंगा तो बाय 100, ये 1000। अब इस 25 से 25 × 3 = 75, 2 1 25 = 125, 25 × 140, आपका ये 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, मतलब कि 8 पे 7 का प्रॉफिट, तो 8 की ले गया, 15 में बेच दी, तो मैंने ये ऐसे किया यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना दिया मैंने आपको? 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि एसपी कब आया होगा आपका? जब किसी यहाँ पे कोई नंबर हुआ उस पर डिस्काउंट दिया होगा, मतलब कि 15 मैं एसपी लिखता हूँ, तो 20% डिस्काउंट है, तो ये कितना होगा? 20×50, तो ये मैं 4 ऊपर 5 नीचे, तो मेरा ये एमपी आ जाएगा। मैंने एसपी से एमपी में गया हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया होगा, तो मैं इसको उल्टा ले लेता हूँ, यहाँ से 15 से मैंने उल्टा एमपी बदल दिया, ठीक है। तो कितना गया ये? 75/4, 75/4, तो ये 4 × 1 = 4, 3 × 4 = 32, 32 और 3 = 4 × 28, 4 × 20, मतलब कि 18.75 आपका पहले केस में क्या होगा? एमपी होगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं, इसने बोला क्या है कि ये मेरा 8 पे कितना बढ़ जाता है? क्रय मूल्य में कितना बढ़ाया है? 25%। अब 25% बढ़ाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 5 × 4, 4 × 2 = 8, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने 25% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और एसपी कितना बढ़ा मेरा? 25%, अंकित मूल्य 500 बढ़ा दिया है, क्रय मूल्य 25 बढ़ा दिया है, छूट की क्योंकि 25%, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर मैं सीपी 25% बढ़ा रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट मेरा सेम डायरेक्शन में चेंज होगा ना हमेशा। कैसे? देखिए, मान के चलिए ये मेरा 5 सीपी था, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा है, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज पहले के ही बराबर है। इसने साफ साफ बोल रखा है कि अगर पहले 87.5% था, अब भी 87.5% होगा। मैंने क्या निकाला था? मैंने 7/8 निकाला था, ठीक है।
अगर मैं इसको 10 बना दूं तो इसमें मैं सेम इंक्रीज करूंगा, कैसे मान के चलो मैं ऊपर नीचे सेम कर देता हूँ, 25% का मतलब 5 बटे 4 है, और 5 बटे 4 यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये मेरा 35 बटे 4 आ गया, ठीक है, 35 बटे 4 का मतलब 4 से 28 35, ये 25 आ गया, मतलब कि मेरा पहले 10 था, अब ये 8.25 हो गया, तो कितना हो गया, 18.25 हो गया मेरा, सॉरी 18.75 होगा, 25 नहीं होगा, दोबारा डिवाइड, अब दोबारा करोगे ना आपको, क्योंकि 15 को जब मैं 25% बढ़ाऊंगा, ये प्रॉफिट आपका और सीपी सेम रेशो में बढ़ेगा, तब भी आपको ये बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज बाद में भी सेम रहा है, ठीक है, तो ये 18.75 हो गया। अब एमपी कितना गया मेरा, इस पे लगाता हूँ मैं, छूट कितनी है, 25% होगी है, अब 18.75 में छूट कर देता हूँ मैं, निकाल देता हूँ छूट, तो 125 मैंने दी होगी, 100 पे कितनी हो जाएगी, छूट दिया ना, ये 75 होगी, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 6 18, ठीक है, 3 2 6, 3 बजे 15, 6.25, 4 5 25 चौके 100, ये मेरा 25 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि अभी कितना हो गया मेरा, 25 आ गई, ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि जो अब मैंने क्या है एमपी के अंदर 500 रुपये ऐड नहीं किए, तो अब जो मेरा डिफरेंस आया होगा तो क्या होगा मेरा, वो मेरा डिफरेंस एमपी का होगा, मतलब कि अगर मैं 25 में से इसको घटा दूं 18.75 को, क्योंकि बाकी तो मेरा सेम रहा है परसेंटेज, पर इनके अंदर डिफरेंस होगा, तो कितना मेरा वो 500 के बराबर है, तो 6.25 कितना गया मेरा, 500, अभी कितना बच गया, ये 100 क्या यहाँ पे, ये 25, ये 4, एक 20 चौक 80, मतलब कि एक यूनिट मेरा 80 के बराबर आ गया, अब एक यूनिट 80 है मेरा, तो मेरा एम तो एमपी कितना मेरा बाद वाला, इसने पूछा क्या है कि बाद में होने वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बाद में होने वाला विक्रय मूल्य क्या है, 18.75, अब 18.75 से मैं क्या करता हूँ, 80 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 100 ये कट गया, ये 4 ये 5, अब 5 से 5 3 15, 5 7 35, 5 बजे 25, तो ये कितना बच गया मेरे पास, 1500 आ गया, ठीक है, तो बाद में होने वाला एमपी क्या होगा मेरा, 1500 होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना आपको समझ में आ जाएगा, मैंने दो कंडीशन ली है, पहले क्या था मेरा 20% डिस्काउंट था, अगली बार क्या हुआ मेरा 25% डिस्काउंट हो गया है, ठीक है, पर प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम रहा है। बस आपको एक बात याद रखनी है माइंड के अंदर कि जब भी मैं सीपी को अगर मैं जिस रेशो में बढ़ाऊंगा उसी रेशो मेरा ऐसे ही बढ़ेगा जब भी मेरा प्रॉफिट सेम होगा, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि 20% प्रॉफिट है, मतलब कि 5 लेकर आया था 6 में बेच दी, तो अगर मैं इसको ये लिख दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 10 और 12, बात तो आपकी सेम रही है ना, बट मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखनी है, तो मैं सेम रेशो में मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आप चलते हैं 103 में, क्या बोला हुआ आपको, 103 में बोला हुआ है कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसका अंकित मूल्य है, मतलब कि एमपी ऑफ एन आर्टिकल 50% मोर देन सीपी, इफ द एसपी एंड द एमपी बोथ आर इंक्रीज बाय 20% देन द प्रॉफिट डबल, इफ द इनिशियल एमपी वाज 300 फाइंड द इनिशियल एसपी, आपको पहले वाला एसपी निकालना है, मतलब कि बोला क्या है कि मेरा कोई सीपी था, ये मेरा एसपी था, ये मेरा सॉरी मैं यहां पे एमपी कर लेता हूं बीच में, तब देखो मर्जी आप कहीं भी लिख लो यार, बोला क्या कि 50% ज्यादा है, तो 50% का मतलब 50/100, 1/2 मतलब 2 के लिए क्या है 3 ने बेची है, मतलब कि 2 और 3 मेरा ये आ गया, ठीक है, एमपी का और इसका रेशियो। अब बोला क्या है मुझे कि एसपी मेरा मान लो मान चलो कोई एक्स था, ठीक है, अब बोलता है कि अगर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा जाता है तो लाभ दूना हो जाता है, अगर इनको मैं 20% बढ़ा दूं, तो मैं पहले काम करता हूँ बढ़ाना है तो मैं इस रेशो को सेम कर लेता हूँ, मतलब कि 200 और 300 कर लिया मैंने एमपी और सीपी को, ठीक है, अब विक्रय मूल्य को बढ़ाना मुझे और अंकित मूल्य दोनों को बढ़ाना है, मतलब कि इसको इसको बढ़ाना है, ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हो गया मेरा, ये 6/5 हो जाएगा एक्स, ठीक है, और 300 को बढ़ाऊंगा तो
आपको इसको भी इतना कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। पर आप एक बात देखिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर ना इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसने बोला क्या है कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज अब कितना हो गया, डबल हो गया पहले से। तो मतलब क्या है कि ये तो मेरा कुछ वैल्यू रख ही नहीं रहा, कि प्रॉफिट निकालने क्या करता हूँ मैं, हमेशा एस पी और सी पी को तो कंसिडर करता हूँ ना, तो मैं इसको निकालता ही नहीं। मतलब कि पहला प्रॉफिट क्या होगा मेरा, 200 होगा, और जो अब कितना आया मेरा 6/5x-200 आया है। पर के अब इसने कंडीशन क्या लगाई है कि ये मेरा अब वाला डबल है पहले का, ठीक है। अब निकाल दीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ से, कितनी निकालोगे, 2x-400, 6/5x-200, तो 400 यहाँ पे जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 200 बच जाएगा, ठीक है। अब 200 है मैं तो यहाँ से निकालोगे क्या बचेगा, 5 × 10 नहीं, 6 × 4/5x, ठीक है। तो मतलब कि ये बचेगा मेरे पास 4/5x = 200, ये 4×5=20, तो x कितना आया मेरे पास, 250, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे पास एस पी आ गया, एस पी कितना आया मेरे पास में, 250 रुपये मेरा क्या था, एस पी था, ठीक है। ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब 104 करते हैं, इसमें क्या करना है आपको, 104 में आपको बोला गया है कि एक पर्सन है, उसने क्या बोला कि 20% डिस्काउंट पे उसने कोई चीज खरीदी है और उसी ने 10% डिस्काउंट लगा के उसको बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का। तो आपको मार्क प्राइस कितना था बुक पे, मान के चलो मैं किसी दुकान पे गया सामान खरीदने के लिए, उसमें मार्क प्राइस लिखा हुआ था 100 रुपये। अब मैं वहां से कितने में लेके आया हूँ, 20% डिस्काउंट में, ठीक है। मैं लेके आया, मैंने 80 में अपनी दुकान पे रख दी। अब मैंने कितने बेच दिया उसको, 10% डिस्काउंट पे, तो मैंने 90 में मैंने बेच दी। अब कितना आया मेरे पास, 10%, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 रुपये दे रखी है, जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू 10 रुपये दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये होगी, ठीक है। तो मेरा एम पी क्या हो जाएगा, 1 से कर देता हूँ, मतलब कि 100 रुपये मेरा क्या होगा, उसका एम पी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं 105, 100 के परचेज सम ऑरेंज बाय सेलिंग 50% ऑरेंज, ही गोट परचेजिंग प्राइस एंड सोल्ड 60% ऑफ रिमेनिंग एट द हाफ ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्लियर, थ्रोन अवे द रेस्ट ऑरेंज। इसने बोला क्या है कि उसने कुछ ऑरेंज खरीदे हैं, ठीक है। अब उसे सेल क्या गया है, बाय सेलिंग 50% ऑरेंज ही गोट हिज परचेजिंग प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, कि मैं मानता हूँ कि टोटल ऑरेंज कितने थे 105 के अंदर, कि भाई टोटल जो ऑरेंज थे ना ये लेट है, ठीक है, मैंने माना है 100 है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मैं 100 ऑरेंज 100 रुपये के लेके आया हूँ, क्वांटिटी मेरी 100 थी, 100 में लेके आया हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने 50 बेच दिए, अपनी परचेजिंग कॉस्ट निकाल ली, मतलब कि 100 में बेच दिए, अब मेरे जो मैंने जितने रुपये मैंने खर्च किए थे उतने मैंने पूरे कर लिए यहाँ पे। अब कह रहा कि जो बचे हुए हैं, बचे हुए का 60%, कितना बच गया, 0/0=30 बच गया। अब यहाँ पे 20 बच गया, ठीक है। ये 20 क्या मैंने फेंकने हैं, ठीक है, ये थ्रो कर दिए, मतलब इनका यूज ही नहीं है। अब 30 है, इसने कितने में बेचा है, कि जो पहले से प्रॉफिट कमाया था ना उसका, प्रॉफिट अर्लियर हाफ लिया उसका प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि अब देखिए, पहले प्रॉफिट कितना कमाया इसने, 100 में आपका 100 ले गया था, 50 से 50 100% प्रॉफिट कमाया है। मैंने कैसे निकाला प्रॉफिट, मैंने आपकी क्वांटिटी टर्म में निकाला प्रॉफिट, कि भाई 100 चीज ले गया था, 50 दे दी, देनी 100 थी, दे दी 50, ठीक है। मतलब कि 50 का प्रॉफिट कमा लिया 50 रुपये पे, तो 100 कितना कमाया, 100% 100% प्रॉफिट कमाया है, तो उसका हाफ ले रहा है यहाँ पे, 50% प्रॉफिट यहाँ पे कमाएगा। तो इसने कितने बेचा होगा, 30 का था 15, और 30 + 15 = 45, तो इसने यहाँ पे 45 बेच दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपये खर्च किए थे, कितने कमा लिए, 100 यहाँ पे कमाए हैं, 45 यहाँ पे कमाए हैं, तो 100 - 145 45%, तो 45% का क्या होगा मेरे पास, प्रॉफिट हो गया, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 105 तक हमारे हो गए हैं, अब 106 से लेके 120 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तब तो चलिए, बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।